फिर से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। नारायणपुर में नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 5 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अभुजमाड़ के घने जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में DRG के 2 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला गया था, जिसमें जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद किया है। और आपको बता दें कि अभी मुठभेड़ चल रही है। अभुजमाड़ के घने जंगलों में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हुआ से बता सुशील सलाम फोन लाइन पर जुड़ गया है। सुशील, अब भी मुठभेड़ चल रही है, कितने लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर अभुजमाड़ के जंगल में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुकी है मुठभेड़। अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। वही मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के 5 शव बरामद किए जाने की भी सूचना मिली है। वहीं साथ ही पुलिस के 2 DRG के जवान घायल होने की भी सूचना आ रही है। और कितने सदस्य टीम इस मुठभेड़ में है और जवानों के घायल होने की क्या खबर है? जी बिल्कुल, वहाँ मुठभेड़ के लिए गई टीम सर्चिंग के लिए गई हुई थी। वही पुलिस की टीम को यह सूचना मिला था कि इस इलाके में नक्सलियों की जमावड़ा होने की सूचना पर DRG और SAF की संयुक्त टीम निकली हुई थी। उसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए नक्सलियों को खदेड़ दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है बीजापुर से, जहां 3